नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल पे। ये सफ़ेद फूलों से भरा हुआ जो प्लांट आपको दिख रहा है, इस प्लांट का नाम है मोगरा। कई जगह पे इसे मोतिया कहते हैं, मल्लिका कहते हैं, जैस्मिन कहते हैं, जूही या बेला भी कहते हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनकी ये शिकायत है कि उनके मोगरा के प्लांट पे फूल नहीं आते हैं। उन्होंने बाय करके लाया है नर्सरी से, लेकिन काफ़ी साल से उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वो प्लांट एक दो फूल दे करके ही रुक जाता है। लेकिन जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हमारा प्लांट पूरा फूलों से भरा हुआ है। तो आज का टॉपिक यही है कि मोगरा प्लांट पे इतनी अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको क्या करना होगा। मोगरा प्लांट की ए टू जेड केयर बताऊंगी, इसकी कटिंग, ट्रिमिंग, फर्टिलाइजर, सनलाइट, वाटरिंग, पॉट, सब कुछ। लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, अंत तक बने रहें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि मेरे वीडियो में अगर कोई कमी लगी हो तो। पहले हम जान लेते हैं मोगरा प्लांट के बारे में कुछ खास बातें। ये विशेष रूप से सुगंधित फूलों के श्रेणी में आता है। मोगरा एक खुशबूदार फूलों वाला प्लांट है, जिसकी फूलों की खुशबू से आपके मन को अलग ही शांति प्राप्त होती है। शादी, पार्टी, फंक्शन या पूजा पाठ, सभी स्थान पे इसे उपयोग में लाया जाता है। मोगरा के फूल से इत्र भी बनाया जाता है। ये फिलीपीन देश का राष्ट्रीय पुष्प है, जबकि ये मूल रूप से भारतीय फूल माना जाता है। यह तो हुई मोगरा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम जानते हैं कि मोगरा प्लांट को आप अपने गार्डन में कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो होना चाहिए आपके पास एक प्लांट। आप पहली बारी नर्सरी से प्लांट खरीद के ला सकते हैं। इसके प्लांट काफ़ी सस्ते मिलते हैं, 50 से 60 रुपए में आपको मोगरा के प्लांट नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। इसकी कटिंग आप साल में दो बार लगा सकते हैं। पहला लगा सकते हैं बसंत ऋतु में, जबकि फरवरी मार्च का महीना होता है। दूसरी बार आप इसे रेनी सीजन में यानी बरसात के समय में लगा सकते हैं, जैसे जुलाई या अगस्त के महीने में। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है। कटिंग लगाने के लिए अगर ऊपर के टिप का आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा आसानी से लगेगी। कटिंग लगाने के लिए आपको जो पॉटिंग मिक्स लेनी है उसमें सैंड और कोकोपीट बराबर मात्रा में मिला लें, थोड़ी सी फंगीसाइड डाल लें। बस ये दो चीज़ों से ही आपकी पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगी और कटिंग बड़ी ही आसानी से लग जाएगी। कटिंग को लगाने के बाद 5 से 6 दिनों तक सेडी एरिया में रखें, ऐसी जगह जहाँ पूरी तरह से रोशनी और हवा इसे मिलती रहे। उसके बाद इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए। 15 से 20 दिनों में आपको इस कटिंग में ग्रोथ नजर आ जाएगी। कटिंग लग जाने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी पॉटिंग मिक्स और पॉट की। नए प्लांट के लिए पॉट साइज आप 6 से 8 इंच की ले सकते हैं, इतनी काफ़ी होगी। पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आपको चाहिए कोकोपीट, सैंड, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल। इन 4 चीज़ों को बराबर मात्रा में ले लें, साथ में एक मुट्ठी नीम खली और थोड़ी सी फंगीसाइड मिला लें। बहुत है इतना आपके नए प्लांट के लिए। इसके बाद आपको 1.5-2 महीने तक इस प्लांट में किसी तरह की कोई फर्टिलाइजर नहीं डालनी है। इस तरह की पॉटिंग मिक्स बनना है। ड्रेनेज होल अच्छी होनी चाहिए आपके पॉट की, उसमें आप इसे रिपॉट कर सकते हैं। रिपॉट कर दीजिए जब आपके प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ नज़र आ जाए, 4-6 ब्रांचेस निकल जाए, आप अपने कटिंग को नए पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आप उस पॉट को रखेंगे कहाँ। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पूरे दिन की धूप मिले, फुल सनलाइट में रहेगी, तभी इस प्लांट में कलियाँ आएंगी और अच्छे से फ्लावर खिलेंगे। तो आपको इसे ऐसी जगह देनी है जहाँ पूरे दिन की धूप लगे। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पूरे दिन की धूप लग सके, तो ऐसी जगह पे रखें कि कम से कम इसमें 4-6 घंटे की धूप तो लग ही जाए। अब मोगरा प्लांट में बात आती है वाटरिंग की। इसे हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, इसकी मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा जब गर्मी पड़ती हो तो आपको इसे दोनों टाइम वाटरिंग करनी होगी। इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई होने लगेगी तो इसकी पत्तियां पीली होने लगेगी और झड़ने लगेगी। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि आपकी मिट्टी कीचड़ जैसी नहीं होनी चाहिए, मतलब ड्रेनेज होल अच्छी हो। जब आप वाटरिंग करें तो मिट्टी पूरी भीग जाए और ड्रेनेज होल से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे ताकि प्लांट को नमी मिलती रहे और इसमें अच्छी सी ग्रोथ नज़र आए। मोगरा प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाती है जब आप कटिंग लगाते हैं। 1.5 से 2 महीने बाद ही इसमें कलियाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम समझते हैं इसके फ्लावरिंग की क्या सिस्टम है, इसके कैसे फ्लावरिंग करता है, कब कितनी फ्लावरिंग करता है। आइए समझते हैं इसके फ्लावरिंग सिस्टम को। अगर आपके पास मोगरा का प्लांट पुराना है तो इसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है आपको फरवरी महीने में।
फरवरी के महीने में जब हम मोगरा की अच्छी सी हार्ड प्रूनिंग या ट्रिमिंग कर देते हैं तो इसमें नए नए ब्रांच निकलते हैं। मार्च अप्रैल में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। जून जुलाई जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है कुछ दिनों के लिए ये रेस्टिंग मोड में चला जाता है और इसकी हल्की प्रूनिंग कटिंग कर देते हैं। जितने सारे फ्लावर खिल के ब्रांचेस डेड हो गए हैं उन सबको काट के हटाना होता है। फिर इसकी मिट्टी में अच्छे से गुराई करनी होती है। फिर से इसमें वर्मी कंपोस्ट और मिक्स फर्टिलाइज़र, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र आप इसमें यूज कर सकते हैं अच्छे फ्लावरिंग के लिए, वो फर्टिलाइज़र का आपको यूज करना होता है। अगस्त सितंबर अक्टूबर जम के फ्लावरिंग करता है। नवंबर दिसंबर जनवरी, इस तीन महीने फिर से ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। बिल्कुल बेजान सा प्लांट लगने लगेगा आपको नवंबर दिसंबर जनवरी यानी कि ठंड के महीने में। ऐसे लगेगा जैसे प्लांट बिल्कुल ख़राब हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप इसे साइड में रख दें, इसकी कटिंग शेडिंग कर दें, इसमें किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र का यूज ना करें। जब यह डोरमेंसी पीरियड में होता है इसमें किसी तरह की फर्टिलाइज़र नहीं डालनी होती है। और फिर आता है फरवरी का महीना, जबकि हम इसकी फिर से हार्ड प्रूनिंग करते हैं, साथ में इसकी मिट्टी की अच्छी सी गुराई करते हैं, सफाई करते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं हम फर्टिलाइज़र। आप ये देख रहे हैं, ये मार्च का महीने का अपडेट है जो आपको इसमें छोटी छोटी कलियां दिख रही हैं। इसके पहले हमने इस प्लांट की क्या ट्रीटमेंट की है वो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कि आपको अपने प्लांट को किस तरह से ट्रीटमेंट देनी है ताकि ये बूसी भी बने, साथ में बहुत ही अच्छी घनी फ्लावरिंग करे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब मैं इसे आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी, शायद तब आपको पूरी तरह से इसमें समझ में आए। देखिए, हमने प्लांट को फरवरी में क्या ट्रीटमेंट दिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी हार्ड कटिंग प्रूनिंग करने के बाद इसकी मिट्टी को अच्छे से साफ कर लेते हैं, क्योंकि वो तीन महीने ठंड में यूं ही साइड में पड़ा हुआ रहता है तो काफ़ी गंदा हो जाता है। सारी पत्तियाँ उसकी रूखी सूखी हो जाती है, बेजान सी हो जाती है और झड़ने लगती है। इसकी मिट्टी आप देख रहे हैं काफ़ी जम गई है। जब हम इसे साइड में रख देते हैं, ये डोरमेंसी पीरियड में होता है, तो इस तरह से इसकी मिट्टी जम जाती है। काफ़ी पुराना प्लांट है हमारा, इसलिए इसके काफ़ी सारे रूट दिख रहे हैं आपको। इस तरह से इसकी मिट्टी गुराई करने के बाद इसमें से साइड साइड से करके हम पहले इसकी मिट्टी हटा रहे हैं। वो क्यों हटा रहे हैं वो भी हम बताएंगे। पहले आप देख लें कि इसे किस तरह से आपको साफ़ करना है। इसकी मिट्टी को साइड साइड से अच्छे से गुराई करते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी रूट है इसमें, तो रूट बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। साइड साइड से हमने इसकी मिट्टी हटा दी। अब हम डालेंगे इसमें फर्टिलाइज़र, जो कि बिल्कुल ही अलग है। ये कितना है क्या है वो सारा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। मैंने इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाया है, इस फर्टिलाइज़र के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्लांट को बिल्कुल फूलों से भर देगा, आपको स्क्रीन पे इसका पूरा डिटेल मैं बता रही हूँ। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप मोगरा के प्लांट को अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हो तो इस फर्टिलाइज़र का आप यूज करें। इस फर्टिलाइज़र को कैसे डालना है वो भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से गमले के बिल्कुल साइड साइड में किनारे में उस फर्टिलाइज़र को आपको डाल देना है। उसके बाद जो मिट्टी आपने निकाली थी उस मिट्टी से ही इसको अच्छे से कवर कर देना है। जब भी हम किसी प्लांट में फर्टिलाइज़र को डालते हैं उसको ऊपर से मिट्टी से कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो सन के एक्सपोजर में आने के बाद वो ड्राई हो जाएगा और फिर प्लांट के रूट तक पहुंच नहीं पाएगा। इसे अच्छे से कवर कर देना है, उसके बाद डाल देना है इसमें आपको पानी। देखिए, वही मिट्टी है जो हमने इसमें से निकाली थी, अच्छी बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी है। इसमें सैंड और कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट सब कुछ मिक्स था। मिट्टी हल्की हो जाती है, आपके रूट्स तक अच्छी से एरेशन जाएगी। साथ में इस फर्टिलाइज़र पे जब आप ऊपर से वाटरिंग करेंगे, धीरे धीरे करके प्लांट को ये पूरी तरह से न्यूट्रिशंस देगा और आपके प्लांट बिल्कुल बूसी हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी इसमें कलियां आएंगी। कलियां जब भर के आएंगी तो फ्लावर खिलेंगे। एक बार फ्लावरिंग करने के बाद ये थोड़े दिन फिर से रेस्टिंग मोड में जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये फ्लावरिंग अच्छे से घना फ्लावरिंग हो जाएगा। जब फ्लावरिंग खत्म होने लगे, रूखी सूखी जितनी भी इसमें पत्तियां नजर आएं, जो डेड ब्रांचेज नजर आएं, उन सबको आपको कटिंग कर देना है। उसके बाद हर डेढ़ दो महीने पे
ये बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट है क्योंकि आपको ढेर सारे फ्लावर प्रोड्यूस करके देगा, तो इसे भोजन भी ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब है इसमें आपको हर 1.5-2 महीने पे अच्छे से फर्टिलाइज़र डाल देनी होगी। ये देखिए, ये हमारा दूसरा प्लांट है जो हमने कटिंग से ग्रो किया है, वो हमारा मदर प्लांट था और ये सेकेंड वाला है। इसमें अभी किसी भी तरह की कली नज़र नहीं आ रही है। हमने इस प्लांट की भी ट्रीटमेंट उसी तरह से की है जैसे हमने पहले वाली पिछली वाली प्लांट की ट्रीटमेंट की है। आपको मोगरा के प्लांट पे पूरे साल अच्छे से केयर करनी होगी। कभी कभी आपको मोगरा के प्लांट में कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं, तो उसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड का यूज करना होगा। इमीडा क्लोरोपीड एक इंसेक्टिसाइड आता है जिसको आप 1 लीटर पानी में मात्र 2 ml मिलाएंगे और उसके बाद आप अपने प्लांट के ऊपर पूरी तरह से स्प्रे करेंगे। आप किसी भी तरह के इसमें कीड़े मकोड़े अगर लगे होते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। पत्तियों को हमेशा उल्टा करके देखें, उसके नीचे किसी भी तरह के जाले ना लग रहे हों, किसी तरह के कीड़े मकोड़े ना लग रहे हों। साथ में इस प्लांट को मिस्टिंग बहुत पसंद है, मतलब कि ऊपर से आप इसे अच्छे से इप्सम सॉल्ट, सीविड लिक्विड इन दोनों को मिक्स करके अपने पूरे मोगरा के प्लांट पे स्प्रे करें, पत्तियों को अच्छी तरह से धुलते रहें। अगर आप इप्सम सॉल्ट और सीविड नहीं हैं तो सिर्फ पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं। प्लांट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, तभी ये इसमें प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगी और प्रकाश संश्लेषण होगी तभी इसमें ग्रोथ होगी और नई कलियाँ बनेगी। शायद उम्मीद करती हूँ मैंने जितना कुछ बताया है आपको समझ में आया हो और आपका मोगरा का प्लांट नेक्स्ट ईयर अच्छे से ब्लूमिंग करे, आप उसकी अच्छे से केयर कर सके। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उसके साथ में आता है ऑल का बटन, उसे भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो तो YouTube आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचा सके और आप हमसे कनेक्ट जल्दी से कर पाएँ। मेरा ये वीडियो, मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने गार्डनर दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक पर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्लांट का अच्छे से ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।